मुहर्रम इस्लाम धर्म में आस्था रखने वाले लोगों का एक प्रमुख त्यौहार है। इस बार 21 सितंबर यानी कि आज मुहर्रम का पवित्र त्यौहार मनाया जा रहा है। मुहर्रम महीने के 10वें दिन ही पैगंबर मोहम्मद के नाती हजरत हुसैन शहीद हुए थे। आखिर क्यों मनाया जाता है मुहर्रम? दरअसल इराक में यजीद नाम का एक बादशाह हुआ करता था। यजीद एक क्रूर शासक था। उसने मोहम्मद साहब के नाती इमाम हुसैन को अपनी खिलाफत मनाने के लिए न्योता दिया था, जिसे हुसैन ने ठुकरा दिया था। इस बात को लेकर पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के नाती इमाम हुसैन और यजीद के बीच धर्म युद्ध शुरू हुआ था। करबला, जो इराक की राजधानी बगदाद से 100 किलोमीटर दूर एक छोटा सा कस्बा था, इस जगह पर इमाम हुसैन को उनके परिवार सहित 72 साथियों को यजीद की सेना ने शहीद कर दिया था, जिसमें उनके 6 माह के पुत्र हजरत अली असगर भी शामिल थे। तभी से दुनिया के तमाम मुस्लिम इस महीने में इमाम हुसैन और उसके साथियों की शहादत के गम पर उनकी याद में ये त्यौहार मनाते हैं। शोक मनाने का रिवाज। शिया समुदाय के लोग इमाम को याद करते हुए इस दिन काले कपड़े पहनकर अपने आप को तरह तरह की यातनाएं देते हैं, जैसे तलवार और छुर्रे जैसी चीजों से खुद को चोट पहुंचाते हैं। ऐसा लोग इसलिए करते हैं ताकि हुसैन और उनके साथियों को दी गई यातना को महसूस कर सके। मुहर्रम के दौरान मुस्लिम समुदाय इस दिन जुलूस के तौर पर ताजिया निकालते हैं। 10वें मुहर्रम के दिन लोग काले कपड़े पहनते हैं और करबला के मैदान में शहीद हुए इमाम हुसैन सहित साथियों को याद करते हैं। ये त्यौहार इनके लिए मातम मनाने का दिन होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज टाइम्स इंडिया।